सभी का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम नेता इस फैसले पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं और इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे हैं। कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसी दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई, जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है। हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं, ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं है। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो घेरना चाहते, खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ पाए, नहीं सुलझाए गए। तो आज अगर हम लोग सही सुनो है तो ही आज अदालत का निर्णय मान रहे हैं, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं उनके दावे से सहमत हूँ, वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है। मतलब साफ है, पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले पर सवाल, फिर ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले पर सवाल और अब मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वे पर सवाल, वो भी तब जब कोर्ट से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडेलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडेलिटीज तय की जाएंगी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर। खैर, सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है और अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी ललित झा को कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी ललित को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया और इस साजिश के पीछे कितने लोग हैं इसका पता लगाने के लिए उसकी रिमांड को जरूरी बताया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि सबूतों के लिए कई राज्य में जांच करनी है और आरोपी का मोबाइल भी कवर करना है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी ललित की 7 दिन की रिमांड के आदेश जारी किए। वहीं दिल्ली पुलिस से पूछताछ में ललित ने जानकारी दी कि वो कई बार सभी आरोपियों से मिला था, साथ ही इस मामले की पुलिस टेरर के एंगल से भी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
सात दिन का रिमांड दिया गया है, उसमें पुलिस अब इनको लखनऊ, मुंबई और जैसे गुड़गांव या जींद वहां लेकर जाएगी। उसके बाद जो पेपर्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या है, क्योंकि अभी तो इट्स अ पार्ट ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने अपनी फैमिली से बात करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था कोर्ट, तो उसमें क्या कहा था कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने उनको ये जरूर बोला, अलाउ किया था उनको, मतलब हमने उनको ओरल रिक्वेस्ट किया था कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लाइक गेट इन टच विद देयर फैमिली, चाहे आगे उनको जो भी स्टेप लेना है उस चीज का, तो कोर्ट ने उनको बोला था ठीक है अब वो आपका राइट है। दिल्ली पुलिस ने 15 दिन का रिमांड मांगा था, आपने अपोज किया था, क्या ग्राउंड्स थे दिल्ली पुलिस के? क्या दिल्ली पुलिस के इसमें टोटल शायद आई बिलीव 7 ग्राउंड्स थे, जिसमें कि इन्होंने कहा था पहले तो कि भाई हमें गुड़गांव, आई बिलीव मैसूर और एक जींद हो गया और लखनऊ, लखनऊ से शायद शूज आए थे, ये उनके ग्राउंड्स थे कि इनको आगे करीबन 15 डेज का इनको रिमांड चाहिए, ताकि ये लोग वहां उनको लेके जाके और वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब कर सके। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ ने स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह खुद से उड़ने वाला ड्रोन है जिसकी रफ्तार काफी तेज है। इसका नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। टेस्ट फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। या खुद टेक ऑफ करता है, मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग कर लेता है। या उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में एक उपलब्धि है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, इसलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। इससे पहले इसकी उड़ान पिछले साल जुलाई में हुई थी। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और सिस्टम स्वदेशी ही है। इस उड़ान के साथ ही भारत अब एलीट देशों के क्लब में शामिल हो चुका है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद मुंबई के एक अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। हालत उनकी अब स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गुरुवार की शाम को अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद घर गए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो गए। रात करीब 10 बजे श्रेयस तलपड़े को मुंबई में अंधेरी पश्चिम के बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने श्रेयस की जाँच की, जिसके बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को श्रेयस तलपड़े फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। वो सेट पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो घर गए तो असहज हो गए। फिलहाल श्रेयस को ICU में ही रखा गया है। तबीयत ठीक होने पर उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। श्रेयस की पत्नी दीप्ति का इमोशनल पोस्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी हालत स्थिर है और कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम ने भी उनकी बहुत देखभाल की, जिसके लिए उनकी भी आभारी हूँ। सभी से निवेदन है कि इस समय आप हमारी प्राइवेसी का भी सम्मान करें, क्योंकि श्रेयस की रिकवरी जारी है और इस बुरे समय में आपका साथ ही हम दोनों की ताकत है। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है। दिल की धमनियां यानी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसे एंजियोप्लास्टी करके खोला जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर 1 से 1.5 घंटे के बीच एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी उतना ही हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान कम होगा, जिससे जान बचाई जा सकती है। एंजियोग्राफी में अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आया है तब डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करेंगे। 47 साल के श्रेयस तलपड़े वेलकम टू द जंगल में काम कर रहे हैं, जिनमें सितारों का जमावड़ा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी के अलावा कई नामचीन सितारे काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अगले साल आने की उम्मीद है। फिल्म में अहम कैरेक्टर निभा रहे श्रेयस तलपड़े की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिससे उनके को स्टार भी चिंतित है। श्रेयस के फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। श्रेयस न केवल बेहतर एक्टर हैं, बल्कि बहुत फेमस वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में श्रेयस की आवाज है। फिल्म के हिंदी वर्जन में उन्होंने अल्लू अर्जुन को आवाज दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।